नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस कंडीशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस कंडीशन क्या होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेस कंडीशन इन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, a race condition is an undesirable situation that occurs when a device or system attempts to perform two or more operations at the same time. to ek race condition, race ki sthiti kab aati hai, ek undesirable hamari situation hai. to race condition hamari ki ek undesirable anchahi ek sthiti hai jo kab hoti hai, that occurs when a device or system, jab ek device ya fir system kya karta hai, attempt karta hai, prayas karta hai, do ya do se zyada operations hai jo hamare sanchalan hai unko karne ka ek same time par. जब एक डिवाइस या सिस्टम दो या दो से ज्यादा हमारा जो कार्य है उनको एक समय पर करने का प्रयास करता है, तब हमारी जो सिचुएशन आती है, रेस कंडीशन आती है, इसको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल सिचुएशन, अनचाही सिचुएशन, अनचाही स्थिति। बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डिवाइस और सिस्टम, परंतु डिवाइस का जो हमारा या फिर सिस्टम का जो हमारा प्रकृति होती है, द ऑपरेशन मस्ट बी डन इन प्रॉपर सीक्वेंस टू बी डन करेक्टली। तो उसके कारण हमारे क्या होना चाहिए, जो ऑपरेशन होना चाहिए, जो संचालन होना चाहिए, वो भी एक प्रॉपर श्रृंखला में हमारे क्या करने चाहिए, डन होने चाहिए, पूरे होने चाहिए करेक्टली, सही तरीके से। क्लियर है बात? तो हमारा जो एक डिवाइस है और सिस्टम है, जो उसकी प्रकृति क्या बोलती है कि हमारे जो ऑपरेशन है सही तरीके से होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखते हैं, रेस कंडीशंस आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग। तो जो हमारी रेस कंडीशन होती है वो मोस्ट कॉमनली आमतौर पर हमारी क्या होती है, एसोसिएटेड होते हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़ी होती है और प्रोग्रामिंग से जुड़ी होती है। ठीक है, दे अकर व्हेन टू कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस और थ्रेड अटेम्प्ट टू एक्सेस द सेम रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। तो वे कब होती है हमारी, रेस कंडीशन कब होती है हमारी, जब प्रोग्राम प्रोसेस या फिर थ्रेड अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं सेम रिसोर्सेज को पहुंचने का एक सेम टाइम पर। क्लियर है बात? तो जब हमारे दो कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रोसेस या थ्रेड अटेम्प्ट करते हैं दोनों साथ में एक सेम टाइम पर रिसोर्स को एक्सेस करने का, तब हमारी क्या आती है, रेस कंडीशन आती है, कॉज प्रॉब्लम इन द सिस्टम, और जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में हमारी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, समस्याएं आ जाती है। रेस कंडीशन आर कंसिडर अ कॉमन इश्यू फॉर मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन। तो जो हमारी मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन होती है, जहां पर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं हमारे मल्टीपल टास्क को करने के लिए, ठीक है, तो मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन में, मल्टी थ्रेड एनवायरमेंट में हमारी क्या होती है, कॉमन इश्यू होती है, बहुत ही साधारण इश्यू, बहुत ही साधारण समस्या होती है हमारी। ठीक है, जिसको हम रेस कंडीशन को क्या करते हैं, साधारण समस्या की तरह कंसीडर करते हैं मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन में। क्लियर है बात? अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, रेस कंडीशन को। हैव यू सीन मल्टीपल लाइट स्विचेस कनेक्टेड विद वन मेन लाइट? आपने कभी देखा कि मल्टीपल स्विचेस आपके एक मेन लाइट से कनेक्टेड है, मतलब एक लाइट है, मान लीजिए एक मेन लाइट है, बहुत बड़ी लाइट है, उसके उसका जो कनेक्शन है मल्टीपल स्विचेस में, मतलब मल्टीपल स्विचेस से आप उसको बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। इट्स वेरी कॉमन सिचुएशन। तो यह बहुत ही साधारण सी स्थिति है, सिचुएशन है, अवस्था है। हाउएवर दीज मल्टीपल कनेक्शन सर्किट आर नॉट कंसर्न विद द स्विच पोजिशन। हालांकि जो हमारे ये जो मल्टीपल कनेक्शन होते हैं सर्किट के, ये कंसर्न नहीं होते हमारे स्विच की पोजिशन के साथ। ठीक है, when the light is on, one can easily turn the light off using any switch. तो जब हमारी लाइट हमारी ऑन होती है, तो कोई भी हमारा क्या कर सकता है, उस लाइट को ऑफ कर सकता है किसी भी स्विच का इस्तेमाल करके, ठीक है, जो उस लाइट से कनेक्टेड है। Now consider a scenario when two people are trying to turn on the light simultaneously. तो एक सिनेरियो, एक परिदृश्य लेके चलिए, जहां पर दो लोग हमारे ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं एक ही समय पर लाइट को साइमल्टेनियसली ऑन करने का। दे विल यूज डिफरेंट स्विचेस, वो अलग अलग स्विच यूज कर रहे हैं। When this happens, it obvious that the action of one switch will cancel out action of other switch. तो ये obvious सी बात है, जब ये घटित होगा दोनों एक साथ हमारा क्या करेंगे, ट्राई करेंगे टर्न ऑन करने की लाइट को, तो ये obvious सी बात है कि जो हमारा एक्शन होगा एक स्विच का, वो कैंसिल आउट कर देगा एक्शन को दूसरे स्विच के। ठीक है, दिस विल मेक द लाइट कनेक्शन फेल। इससे जो हमारा लाइट का कनेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दिस इज अ रेसिंग कंडीशन, इसी को बोलते हैं रेसिंग सिचुएशन, इसी को हम बोलते हैं रेसिंग स्थिति, रेसिंग की अवस्था। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड एग्जांपल, ताकि कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज आर रेस कंडीशन में अकर इफ कमांड्स टू रीड और राइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिसीव्ड एट द ऑलमोस्ट द सेम टाइम।
तो जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी है या फिर स्टोरेज है उसमें रेस कंडीशन कब होती है, जब जो हमारा डेटा है, जो हमारी लार्ज अमाउंट में डेटा है रिसीव किया जाता है एट मोस्ट सेम टाइम, मतलब बिल्कुल सेम टाइम पर। मतलब डेटा यहाँ पर देखिए, अगर जो कमांड्स हमारी रीड करने की और राइट करने की, मतलब डेटा जो लार्ज अमाउंट में हमारा डेटा है उसको रीड करने की और राइट करने की जो हमारी कमांड्स होती हैं वो एक टाइम पर अगर हमारी भेजी जाती है तो उस टाइम पर हमारी क्या आती है, रेस कंडीशन आती है। ठीक है, एंड द मशीन अटेम्प्ट्स टू ओवरराइट सम और ऑल ऑफ द ओल्ड डेटा व्हाइल द ओल्ड डेटा इज स्टिल बीइंग रीड। और जो हमारी मशीन होती है वो क्या करती है, अटेम्प्ट करती है, प्रयास करती है सारे डेटा को ओवरराइट करने की, मतलब उसको दोबारा से लिखने की, उसको अपडेट करने की, और ऑल ऑफ द डेटा, ठीक है, उस डेटा या फिर सारे सारे डेटा को ओवरराइट करने की, व्हाइल दैट ओल्ड डेटा इज स्टिल बीइंग रीड, जबकि वो जो हमारा ओल्ड डेटा है वो अभी भी क्या किया जा रहा है, हमारा रीड किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। The result may be one or more of the following. तो result हमारे क्या हो सकते हैं, the computer crash. तो इस समय पर हम computer crash कर सकते हैं, or identifies an illegal operation of the program. या फिर क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि एक illegal, एक अवैध operation, एक अवैध संचालन चल रहा है, उसको identify कर सकता है, उसको पहचान सकता है। ठीक है, errors reading the old data. तो जो old data को read किया जाएगा, एक ही समय पर read किया जा रहा है, write किया जा रहा है, तो read किया जाएगा तो उसमें error आ सकता है, उसमें गलती हो सकती है। ठीक है, वो खराब डेटा हो सकता है, हमारा गलत डेटा हो सकता है। एरर राइटिंग द डेटा, तो जो हमारा न्यू डेटा हम राइट कर रहे हैं उसमें एरर हो सकता है राइट करने में। क्लियर है बात? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस कंडीशन। तो द की वंस आर एक्सप्लेन्ड हियर। तो जो हमारे मुख्य हमारे टाइप्स हैं रेस कंडीशन वो देखते हैं हम। फर्स्ट हमारे क्या, क्रिटिकल रेस कंडीशन, गंभीर रेस की कंडीशन। अ क्रिटिकल रेस कंडीशन विल कॉज द एंड स्टेट ऑफ द डिवाइस सिस्टम और प्रोग्राम टू चेंज। तो जो हमारी क्रिटिकल रेस कंडीशन होती है, जो गंभीर रेस कंडीशन होती है हमारी, वो क्या करती है, हमारी एंड स्टेट ले आती है, जो हमारी एंड स्टेट है हमारी डिवाइस की या सिस्टम के प्रोग्राम को, उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ फ्लिपिंग टू लाइट स्विच इज कनेक्टेड टू अ कॉमन लाइट एट द सेम टाइम ब्लोज द सर्किट। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं टू लाइट स्विचेज को, जो कि हमारे कॉमन लाइट से कनेक्टेड है, एक समय पर उनको दबा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट ब्लो हो जाएगा, सर्किट हमारा खराब हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड अ क्रिटिकल रेस कंडीशन, इसको हम बोल लेंगे गंभीर रेस की कंडीशन। In software, a critical race condition is when a situation results in a bug with unpredictable and undefined behavior. तो software में हमारी जो critical की जो गंभीर race condition कब आती है, when a situation result in bug. तो जब हमारी situation जो स्थिति होती है एक bug में ले आती है, कमी में ले आती है, ठीक है, with unpredictable, जिसकी हमने अनुमान नहीं लगाया, जिसका हमने predict नहीं किया, ठीक है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की, और एक undefined behavior में, जिस बिहेवियर को, जिस हमारे व्यवहार को डिफाइन नहीं किया जा सकता, उस बिहेवियर में हमारा क्या आ जाता है, बग आ जाता है, ठीक है, इश्यू आ जाता है, समस्या आ जाती है। क्लियर है बात? सेकंड टाइप देखते हैं हमारा नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन, जो गंभीर नहीं होती हमारी, उस रेस कंडीशन की बात करते हैं। नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम डिवाइस और प्रोग्राम। तो जो हमारी नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन होती है वो डायरेक्टली सीधे तौर पर हमारा एंड स्टेट ऑफ सिस्टम या फिर डिवाइस या प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करती, असर नहीं डालती। लाइट एग्जांपल वही लेके चलते हैं। इन द लाइट एग्जांपल इफ लाइट इज ऑफ, अगर लाइट ऑफ है एंड फ्लिपिंग बोथ स्विचेस साइमल्टेनियसली टर्न्स द लाइट ऑन। अगर दो स्विचेस को हम साइमल्टेनियसली, अगर लाइट ऑफ है हमारी और दो स्विचेस को हम एक साथ दबा रहे हैं, साइमल्टेनियसली दबा रहे हैं, तो हमारी लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। एंड हैज द सेम इफेक्ट एज फ्लिपिंग वन स्विच, और जो उसका इफेक्ट रहेगा, असर रहेगा, वो सेम रहेगा जैसे कि हम एक स्विच को फ्लिप करें, एक स्विच को दबा रहे हैं, उसी प्रकार से रहेगा। देन इट इज अ नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन, तो इसको बोलेंगे हम नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन, जो गंभीर नहीं होती हमारी। इन सॉफ्टवेयर अ नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन डज नॉट रिजल्ट इन अ बग। तो सॉफ्टवेयर में हमारी जो नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन होती है, उसकी वजह से कोई बग नहीं आता, कोई कमी नहीं आती, ठीक है, कोई एरर नहीं आता। क्लियर है बात? अब देखते हैं हाउ रेस कंडीशन बी अवॉइडेड, रेस कंडीशन कैसे अवॉइड किया जा सकता है। रेस कंडीशंस कैन बी अवॉइडेड बाय इंप्लीमेंटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो रेस कंडीशन को हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो हमारी टेक्निक्स है उनको लागू करके अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। सच एज ब्लॉक्स, जैसे कि लॉक्स हो गए हमारे, सेमाफोर्स हो गए हमारे, मॉनिटर्स हो गए हमारे। दिस टेक्निक्स एंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड कैन एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स एट अ टाइम। तो ये जो टेक्निक है ये सुनिश्चित करती है कि ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस या फिर एक थ्रेड हमारा एक्सेस कर सके शेयर्ड रिसोर्सेज को एक टाइम पर, प्रिवेंटिंग साइमल्टेनियसली कंफ्लिक्टिंग एक्सेस, जिससे हमारा जो साइमल्टेनियसली एक साथ जो कंफ्लिक्ट हो रहा था, जो टकराव हो रहा था एक्सेस में, रिसोर्सेज के एक्सेस में, उससे बचा जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, और जिससे हमारी डेटा की जो इंटीग्रिटी है, डेटा की जो सटीकता है, संपूर्णता है, मतलब डेटा में कोई छेड़छाड़ ना, कोई एरर ना हो, वो उसको क्या किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके उसको। क्लियर है बात?
तो ये हमारी क्या है कंप्लीट जानकारी है रेस कंडीशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।